स्वामी विवेकानंद ने क्या कमाल की बात कही है कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। नमस्ते दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी कहानी। ये बात तब की है जब विवेकानंद अमेरिका में थे। स्वामी जी ने एक बार पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में अंडे के छिलके पर पत्थर मारने की कोशिश करते हुए देखा। वे लड़के बुरी तरह असफल हो रहे थे, कोई भी इनमें से सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद लड़कों को देखने के बाद स्वामी जी लड़कों के पास पहुंचे और उन्होंने इस खेल में शामिल होने को कहा। इसके बाद स्वामी जी ने अंडे के छिलके पर कई बार निशाने लगाए और हर बार उनका निशाना एकदम सटीक होता था। लड़के स्वामी जी की सटीकता को देखकर हैरान हो गए। तभी एक लड़के ने स्वामी जी से इस युक्ति के बारे में पूछा। स्वामी जी ने बहुत शांति से उत्तर देते हुए कहा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा ध्यान लगाएं, तभी आपका निशाना बिल्कुल सटीक लगेगा। आज की लाइफ स्टाइल में हमारे लिए यह कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। जीवन में सफलता के लिए हमें सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना होता है। डिस्ट्रक्शन के कारण हम अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही अगर हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान लगाए तो हमारे असफल होने के चांस काफी कम हो जाएंगे और हमें सफलता जरूर मिलेगी।